नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और कोइंसिडेंट है कि आज ही के दिन जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे भी है। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो है आदिशक्ति भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी को डिवोटेड है। वहीं इंटरनेशनल वुमेन डे की बात करें तो 1908 में इस दिन को जो है वो पहली मर्तबा ऑब्जर्व किया जाए। इस संदर्भ में कोई डिमांड बातचीत रखी गई थी जब अमेरिका में जिस प्रकार से वुमेंस के अधिकार की बात हुई वर्किंग वुमेंस की, तो उस समय जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया। वहीं ग्रेट जम्मू एक ख़ास पेशकश लाया है। ये पेशकश जो है वो वुमेंस को डिवोटेड है। वह वुमेंस जो जम्मू संभाग से हैं और जिन्होंने अपनी फील्ड में कार्य करते हुए ना कि केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी मिसाल जो है वो उन्होंने बने और इसके साथ साथ जो है एक प्रेरणा का स्रोत बने। एक तो उसमें से ऐसे हैं कि जो आज की डेट में पूरे इंटरनेशनली मैं बात करूं तो उनके सबसे बड़ी एग्जांपल दी जाती है अपने आप में डिटर्मिनेशन की और हार्ड वर्क की। क्या कुछ पेशकश है आइए देखें। इनमें सबसे पहले जो नाम है वो है सरला देवी का, जो क्रिकेटर हैं जम्मू कश्मीर से। और गौरतलब है कि छोटी सी उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और पहली महिलाएं बनी जम्मू कश्मीर की, जो आगे जाके जो है इंडिया बी की चैलेंजर ट्रॉफी जम्मू कश्मीर की तरफ से खेला और जो उनमें खेलने वाली सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनी। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई सपोर्ट करता है और हम महिला भी कहीं आगे निकल के आती हैं। महिला आगे निकल के आते हैं शायद तभी वुमेन डे है और इसी के मौके पे हम ये सारी स्टोरी जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता चला कि आप दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं और डेली अपडाउन करते थे, थोड़ा अपने गाँव का नाम बताएंगे? जी, मेरा गाँव करियार ब्रह्मणा है जो बड़ी ब्रह्मणा के पास है। तो डेली अपडाउन करते थे? जी, मैं बिल्कुल डेली अपडाउन करती थी। और कितने साल अपडाउन किया डेली? आई थिंक 13-14 ईयर्स हो गए। 13-14 ईयर्स जी, और 13-14 ईयर्स से कंटिन्यू अप डाउन करा और बहुत मतलब ऐसे मेरा जो प्रैक्टिस का टाइम होता था वो आधे से ज़्यादा तो टाइम में निकल जाता है, ट्रैवलिंग में निकल जाता। अच्छा, किसी ने कहा नहीं कहाँ इतनी दूर जा रहे? मतलब हम भी पढ़ने आया करते थे, बड़ा टाइम लगता था, तो किसी ने कहा नहीं कहाँ जा रहे हो इतनी दूर? वो एक पैशन होता है जब आप कुछ, किसी ने कहा? पैशन तो इंडिविजुअल हो गया ना, लेकिन घर पे और भी बाकी लोग होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस रहता है। घर में तो स्पोर्ट रहा मेरा, मतलब मेरे पेरेंट्स का, मेरी सिस्टर दोनों जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स में थी उनका बहुत स्पोर्ट रहा। और उसके साथ ही जो मेन रोल मेरे क्रिकेट को लेके अगर बाहर आया वो मेरे गुरुजी जो साई बंदीगी के नाम से रहा है, मधु परमहंस जी। जी, उन्होंने ही मुझे क्रिकेट में मतलब भेजा है किस्म का, कि मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि गर्ल्स टीम भी होती है, मतलब एक क्रिकेट की गर्ल्स टीम भी होती है। मुझे भी आइडिया नहीं था साहिब जी कि मैं अक्सर आपके मासिक तौर पे जो है वो प्रोग्राम को, सत्संग को अटेंड करता हूँ और आपने किसी महिला क्रिकेटर को जो मोटिवेट किया होगा और आज उनका इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा, उन्होंने मोटिवेट किया आपको? क्या कहा उन्होंने कि जाओ जाके बैट बॉल खेलो? एक्चुअली एक बार हम खेल रहे थे आश्रम में, तो जब उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा तो उनको अच्छा लगा हुआ कि एक लड़की कैसे खेल रही है। तो उसी चीज़ से जब उन्होंने मुझे बोला कि आप कोचिंग लेना बाहर जाकर स्टेडियम में, तो तब मैं शॉक हो गई कि गर्ल्स की भी टीम होती है लाइक क्रिकेट की, क्योंकि हमने बचपन से देखा है बॉयज़ खेल रहे हैं, गर्ल्स का कहीं नाम ही नहीं था। तो फिर उन्हीं के कहने से मैं स्टेडियम में आई जहाँ पे मैंने कोचिंग ली फिर वीना शर्मा मैम से, तो यहीं से मेरा जो करियर आगे बढ़ता गया। अच्छा, इंडिया बी टीम को रिप्रेजेंट किया अपने जम्मू कश्मीर की तरफ से, ये सच में बड़ी उपलब्धि है बीइंग ए वुमन क्रिकेटर। जहाँ तक मेरी जानकारी है कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही महिला है, वो है सरला देवी जी। बहुत खुश भी होती है कि उपलब्धि है बिल्कुल, क्योंकि आपने शायद सुना नहीं होगा कि क्रिकेट में स्पेशल कि क्रिकेट में भी कोई लड़कियां मतलब क्रिकेट खेलती हैं या एक इस लेवल तक पहुंचती हैं, तो उस चीज़ की मुझे बहुत प्राउड है कि गुरुजी की कृपा से यहां तक पहुंच रही हूं और उनकी आशीर्वाद से मैं चाहती हूं कि मैं और आगे बढ़ूं और जेएनके का नाम रोशन करूं। जेएनके का नाम रोशन करूं, जेएनके की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है जी, जी। उसके बारे में क्या राय है सरला देवी बीइंग ए क्रिकेटर? मैंने ये सुनी थी पॉलिसी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उस पॉलिसी में क्रिकेट को इतना बढ़ावा नहीं दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं, सारी दुनिया क्रिकेट देखती है। जितना आप क्रिकेट देखते हो उतनी ही उस पॉलिसी को आपने शायद, अगर आपको जानकारी हो तो उसमें मैंने जो पढ़ा था कि कोई दूसरी गेम्स में जो गेम्स हैं
वो इंटर जोनल खेलते हैं और उसमें जो मेडल लेके आते हैं तो वो अपनी फाइल लगा सकते हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट क्रिकेट कैसा नहीं है। रणजी तो रणजी भी कहीं नहीं है, आप इंटर इन्होंने जो क्रिकेट है उसमें इन्होंने चैलेंजर ट्रॉफी जो मैं इंडिया भी रिप्रेजेंट करके ही हूँ वो चीज़ रखी है, उसमें भी मेडल। ठीक है, अगर बाकी टीम्स जो बाकी गेम्स है उनका अगर आप इंटर जोनल के बेस पे जो मेडल लेके आ रहा है वो अगर फाइल लगा सकते हैं तो क्रिकेट क्यों नहीं, क्यों नहीं क्रिकेट क्यों नहीं? बाकी टीम का इंटर जोनल की फाइल लगती है तो क्रिकेट की क्यों नहीं लगती? हालांकि चैलेंजर की लगती है फाइल शायद, लेकिन उसमें भी मेडल का लगता है, तो ये एक बड़ा सवाल है प्रशासन के समक्ष भी, चैलेंज अभी भी है। जी बिल्कुल, चैलेंज ये एक वुमेंस के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतना स्ट्रगल करके एक गांव से उठ के जब आप आते हो तो वो स्ट्रगल ही है एक वुमेंस के लिए ना, कि आपको घर वालों का कितना सपोर्ट मिल रहा है। इवन मेरी बात छोड़ो, अगर कोई और वुमेंस है, क्योंकि बहुत होता है कि हम भी खेलें, कुछ पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं उनको खेलने से, बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई करो। पढ़ाई वालों ने लोग किया? बिल्कुल किया। आपने कहा मेरे हाथ में बैठ, अब नहीं जाने दोगे तो फिर? नहीं ऐसा नहीं था, मजाक कर रहे हैं। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और मेरी दोनों सिस्टर ऑलरेडी स्पोर्ट्स में थी तो उस चीज़ का थोड़ा बेनिफिट मिला। और मेन रोल मैंने बताया, गुरुजी ने जब बोला तो उनके ही कहने पे हम कोई बात टाल नहीं सकते हैं। तो अच्छा, बैट्स बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। रविंद्र जडेजा? अच्छा जी, कुछ क्या कुछ विकेट्स हैं, क्या कुछ रन है, थोड़ा सा अगर इंस्पायर हो जाएंगे जो देख रहे हैं प्लेयर्स? एक्चुअली विकेट्स बॉलिंग तो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हूँ मैं, तो बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग भी मिडल ऑर्डर पे करती हूँ, तो अच्छा ही रहा अभी तक जो भी मैं खेल रही हूँ, तो अपनी टीम को कंट्रीब्यूट करती हूँ, विकेट्स जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से अच्छा कर रही हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कंट्रीब्यूट करते हैं और बड़ी बात ये है कि दूर दराज के क्षेत्र के आने के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी और आज भी नहीं मान रहे, कह रहे बाकी वालों इंटर जोन तो क्रिकेट वालों को इंटर जोन क्यों नहीं, उनकी फाइल भी जो है जॉब के लिए, हालांकि न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसमें बड़े सारे जो फैसिलिटीज़ अब की बार लाए गए हैं, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है, लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप इंडिया टीम में भी खेलें और वहाँ भी रिप्रेजेंट करें, अपने परिवार का जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल, सबकी मुझे ब्लेसिंग की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना सपोर्ट करोगे आई थिंक कोई भी गेम का हो, किसी भी एक प्लेयर को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, अगर आप सपोर्ट करते हो तो प्लेयर आपको रिजल्ट देगा। तो होपफुल कि अगर सब मुझे सपोर्ट करेंगे तो हम जेएनके का नाम रोशन करें। दूसरा नाम जो है वो इसमें शालू गुप्ता का है, गौरतलब है कि शालू गुप्ता जो हैं वो प्रोफेसर हैं एमसीए में, इस समय श्री प्रताप मेमोरियल राजपूत कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कॉमर्स कॉलेज से नाम से जाना जाता है। और बड़ी एक घटना उनके साथ जब उनकी उम्र 18 वर्ष की थी तब उनके साथ हुई, जब शॉर्ट सर्किट के चलते उनको अपनी दोनों बाजू जो है गुबानी पड़ी, लेकिन उन्होंने इस सोसाइटी के साथ साथ फिजिकल चैलेंज को किस प्रकार से दूर किया और आज एक बेहतरीन जिंदगी जी रही हैं अपनी डिटर्मिनेशन के बल पर। आइए देखें। हम कैसे देखते हैं उस डेट को और आज की डेट में हम देख रहे हैं बीइंग ए प्रोफेसर आप जो हैं वो कार्यरत हैं? थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो नामुमकिन नहीं होती, हाँ आप जिस चीज़ से आप वाकिफ नहीं होते अगर आपके साथ वो घट जाए, ठीक है, तो समय ज़रूर लगता है बट आप अपने डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुँचते हैं, ठीक है। पता, मैं अपने एक्सपीरियंस को बताती हूँ, मेरे को नहीं पता है कि कैसे चीज़ें हो जाती हैं बट हो जाती हैं। चैलेंज कोई स्ट्रगल रहा? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऐसा कहा भी जाता है कि मेल डोमिनेट सोसाइटी में फीमेल का बड़ा मुश्किल है, जब फिजिकल चैलेंज आ जाए तो ज़्यादा मुश्किल रहता है, तो चैलेंज और स्ट्रगल रहा?
चैलेंजेस तो रहते ही हैं, बिना चैलेंज के तो आपको एक सांस भी नहीं आराम से मिलती है, ठीक है। तो ये तो मतलब था कि एक 18 साल की लड़की जिसको कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि और एक सेकंड के बाद उसके साथ क्या हो जाना है, दुनिया ही पलट गई, ठीक है। फिर अपने आप को साबित करना कि अब तो, फिर उसके बाद ये था कि कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, ठीक है। और शुरू से था कि मेरे को पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता था, और उसके बाद मैंने ठाना कि मेरे को प्रोफेसर बनना है कॉलेज में। कॉलेज में प्रोफेसर बनना ये बात का था, बट पढ़ाना एक एम था मेरा, ठीक है। और कोई भी चीज़ मुझे लगता है इतनी आसानी से नहीं मिलती। सबसे पहले कि मेरे को ये सोचना था कि मेरे को लिखना कैसे है। उस टाइम तो ये था कि शायद मैं दोबारा एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाऊँगी या नहीं, बट जैसे कि मैं कहती हूँ कि भगवान ने अगर मेरे साथ कुछ ज़ाती की है तो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें दी भी हैं, जैसे मतलब मेरे को बड़े सपोर्टिव पेरेंट्स मिले, भाई बहन थे, मेरा फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने मतलब मेरे को संभाला, ठीक है। और मैंने अपनी घर वालों के साथ से, अपने पेरेंट्स के साथ से दोबारा लिखना शुरू किया। जब मैंने लिखना शुरू किया तो एक उम्मीद हो गई कि हाँ जी अब हम कुछ कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ आपको देख के, मोबाइल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं। देखो कुछ चीज़ें मतलब मैंने कहा कि अगर एक चीज़ में मैं अनलकी थी तो बाकी बड़ी सारी चीज़ें जिसमें लकी हूँ। पहले मेरे पेरेंट्स का साथ था, मेरे भाई बहन का, और अब शादी के बाद मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है पूरा। ये गाड़ी चलाना तो उन्होंने बोला कि शालू तू मतलब क्लिक कर, उन्होंने किया कि तू कर सकती है, और उनके ही विश्वास पे मैंने अपना विश्वास रखा कि हाँ जी अब मैंने करके बताना है आपको। अच्छा एक प्रश्न है जो मैं अक्सर किसी को पूछता नहीं हूँ, लेकिन आपसे ज़रूर पूछने का मन कर रहा है। बड़े सारे लोग हैं जो फिजिकली मेंटली हर तरीके से समर्थ हैं, लेकिन कंप्लेन करते रहते हैं, एक्सक्यूज़ करते रहते हैं, उनके लिए कोई राय रहेगी आपकी? क्योंकि मुझे लगता है आपसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत कोई नहीं हो सकता। देखो कहाँ जाना ये सारा हम पे निर्भर है, ठीक है। जैसे मैंने सुनाया कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैं 18 साल की थी, तो ऐसे तो मेरे दिमाग में भी आया कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों चुनी गई इसके लिए, ठीक है। तो हो सकता है शायद मेरा भी वैसा ही हो जाता, बट जब मैंने चीज़ें देखी मतलब अपने आसपास कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मेरे भाई बहन इतना मतलब देख रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर मैंने सोचा कि मेरे को अच्छे की तरफ ही जाना है, और मेरे को अपने आप को दोबारा से खड़ा करना है, ठीक है। ये सोच कहाँ से आई, कहाँ से इंस्पिरेशन आई? मतलब कि कई एक्सक्यूजेस करते हैं, उनको शायद नहीं आती, इसलिए सर मैंने कहा ना, मतलब मैंने कहीं बाहर से नहीं इंस्पिरेशन ली, मैंने अपने घर से ही ली है, ठीक है। और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी मदर, ठीक, मतलब मुझे अपनी माँ से ही ये सारी हिम्मत जो है ये उनसे मिली है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, ठीक है, हमारी एक बड़ी छोटी सी शॉप थी, तो और हम चार भाई बहन हैं, ठीक है। मेरे एक्सीडेंट के दौरान, मेरे बीमारी के दौरान मेरे फादर ने पूरी शॉप नहीं लगाई कभी, ठीक है। वो एक आधा दरवाज़ा खुला रखते थे, और उनको लगता था कि पता नहीं कब कोई मैसेज आ जाएगा कि शालू अब नहीं तो तब नहीं, ठीक है। 2-2.5 महीने उन्होंने शॉप नहीं पूरी लगाई, ठीक। तो जो बंदा जिसने सिर्फ मेरे को ध्यान दिया, अपने 3 बच्चों को नहीं ध्यान दिया, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं भी थोड़ा मतलब हिम्मत करूं? मैं क्यों टूट के बिखर जाऊं, ठीक है। मेरे को समेटने वाले बड़े सारे हैं, तो मेरे को उनकी हिम्मत को करना, ये मेरा जो मानना है, मेरा ये 30 साल का जो निचोड़ है ज़िंदगी का, मैंने जो सीखा है, ये ज़िंदगी सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं है, और इसको हमें बर्बाद करने का हक भी नहीं है। ये ज़िंदगी हमारी, हमारे माँ बाप की देन है, हमें इसको संवारना है, हमें इसको बनाना है, और हमारा ये मैं कह सकती हूँ कि एक उनके ऊपर कर्ज है, ठीक है। मैंने जो फील किया है कि हमें प्राउड फील कराना चाहिए कि हम उनके बच्चे हैं, ठीक है।
वो चार लोगों के बीच में मतलब बोलते हैं कि हमारी बेटी नहीं है, हमारा बेटा है, उसने बेटा बन के दिखाया है, तो मेरी जिंदगी का सारा खत्म हो जाएगा इसमें। तीसरा जो नाम जो है इसमें सुषमा देवी का है। गौरतलब है कि मड ब्लॉक से सुषमा देवी और उम्मीद के चलते स्पेशल सेल्फ हेल्प ग्रुप में इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया, और एक वक्त था जब इनके पास काम नहीं था, और आज जो है वो इतना काम है कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर आए थे तो इनको वहाँ भी जाना पड़ा, और डेयरी के प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, और इस डीलिंग के साथ साथ जो है इनके डेयरी के प्रोडक्ट्स के जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है। नाम सुषमा, मैं गोलपतन की रहने वाली हाँ। मैं 2017 च उम्मीद कन्नै जुड़ी ही, तो 2019 च मैं अपने दुध पनीर का काम शुरू किया हाँ जी, तो मेरे कन्नै 10 लेडीज और काम करा दी। फिर उसके बाद करोना आया, करोना च सानू इन्नी दिक्कत आई कि बिल्कुल काम बंद करना पिया। फिर असें दोबारा 2020 एक निक्की जी आउटलेट खोली जिथे 5 किलो पनीर कोलों काम स्टार्ट किया। फिर दोबारा काम बधांदे असें हुण इस टाइम 2.5-3 क्वांटल पनीर बनाने, पर काम करदे सानू इन्निया लेडीज ही जनानी दी इन्निया गल्लां सुनिया पईआं लोकें दीआं, कोई कुछ बोलदा कोई कुछ, पर फिर भी मेरे हसबैंड इन्नी सपोर्ट ही, उधरों उम्मीद दी सपोर्ट ही, FPO वगैरह फैडरेशन सारे इन्नी मदद की मेरी कि इस टाइम अस 3-4 क्वांटल डेली का पनीर बनाने, और मेरी महीने की इनकम 80-90 हज़ार है, मेरे कन्नै 5-7 लेडीज हो ना, जिंदा भी घर का गुजारा बड़ा सोहना चला दा। धन्यवाद। नाम जो है वो शीतल देवी का है, और ये एक ऐसा नाम है जिस नाम ने पूरे वर्ल्ड में सनसनी फैला दी। शीतल देवी महज 17 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने पैरा आर्चरर, पहली महिला पैरा आर्चरर बनी, और जम्मू के किश्तवाड़ इलाके से है, डॉटर ऑफ द सॉइल हैं, और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इनसे एक खास बातचीत ग्रेटर जम्मू की जिन्होंने जिसमें बताया कि इनको मदद करने के लिए जो है प्रीति दीदी जो थी उन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया, और इनके माता पिता ने काफ़ी अहम रोल अदा किया जब वो किश्तवाड़ से कटरा आए। थैंक यू। नमस्ते, मैं नाम शीतल है। आज यहाँ पे जम्मू में आए हैं यूटी आर्ची चैम्पियनशिप खेलने, क्योंकि यहाँ से हमें नेशनल जाना है, तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छा खेला, और उम्मीद से कहते हैं कि वहाँ पे भी अच्छा ही खेलेंगे। अच्छा, आपने हाल ही में गोल्ड लिया और मोदी जी से भी आपको मिलने का मौका मिला, कितना आपको हार्ड वर्क और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी कि जिसके चलते मैं देख रहा हूँ निशाने आपके बिल्कुल पर्याप्त निशान पे लगे हुए हैं। हम 6-7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो हम जैसे वहाँ चाइना में गए थे खेलने, 3 मेडल दिए देश को, हमें बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर, और हम मोदी जी से भी मिले थे और मिलकर बहुत अच्छा लगा, अपना आशीर्वाद दिया और मोटिवेट किया। इस समय जो बाकी प्लेयर्स हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? वो आपको अब ये अपना रोल मॉडल समझ रहे हैं, 16 वर्ष की आयु है और पूरे देश में आपका नाम के, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की ज़रूरत होती है। ये इंस्पायरिंग इंस्पिरेशनल स्ट्रगल भरी सक्सेस स्टोरी जो थी वो डॉटर ऑफ द साइल जो जम्मू संभाग से थे उनकी थी। आप इस सारे डिस्कशन को, कन्वर्सेशन को कैसे देखते हैं, पहली बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। गौरतलब है कि आज की डेट में महिलाएं अपनी फील्ड में एक्सेल करते हुए ना कि केवल अपने लिए अच्छा कर रहे हैं बल्कि बाकी वालों के लिए भी एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं। अपनी पहली बार कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहेंगे जम्मू। कैमरन सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।